ये ना, ये लोग क्या बोल रही है, तुम घर छोड़ के बाहर जाओ, मैं ताला मारेगा, सब लोग आगे मेरे को मार रहे हैं, मैं क्या करूं, किधर मारेगा मैं, इसका नाम मैं लिख के मारेगा। मेरे को इतना सता रहा है, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, मेरे घर वाला ने मेरे को बचाया, तुम्हारे तीन बच्चा लोग है, तू मर जाएगा तो तेरे बच्चा लोग को कौन देखेगा। मैं सुसाइड करूंगा तो ये मेरा प्रशासन है और मेरा ना कोई भी नहीं है, और उसने मुझे थ्रेट दिया कि तू बॉम्बे में अकेला है, तुझे मैं गायब कर दूंगा। नमस्कार, आम्ही मुंबईकर 24 तास मध्ये आपले स्वागत आहे। काल 13 जुलै 2024 रोजी शेअर मार्केट मध्ये फसवणूक करून गुंतवणूक करणाऱ्या आरोपीला मुंबई क्राइम ब्रांच ने अटक केलेली आहे व त्यावर नागरिक काय म्हणाले हे आमच्या प्रतिनिधी संजीवनी वैजल यांच्याकडून जाणून घेऊया। शेअर मार्केटच्या माध्यमातून बीसी असो, फंड असो किंवा फ्लॅटच्या माध्यमातून आशिष शाह या व्यक्तींनी नागरिकांना फसवलं होतं, त्याच दरम्यान आपण आज RTO जीवननगर या ठिकाणी आलेलो आहे। माझ्यासोबत नागरिक आहे स्थानिक, त्यांना काय म्हणून फसवलं आपण जाणून घेऊ। काय कहना चाहोगे, किस वजह से आपने पैसा दिया था उनको? उनने उसका घर पे मेरा सास ने काम किया था, फिर उनका दरवाजे का बाजू वाला घर वाला ने इनके साथ जाके पैसा दिया था, फिर मेरा सास ने उनको पूछा उनको क्या पैसा दे रहे, फिर वो इंटरेस्ट में पैसा दे रहे करके उनको बोला, फिर मेरा सास ने बोला हम लोग भी बीसी चलाता है, तभी हम लोग 1 लाख का 2 लाख का ऐसा बीसी चलाता था, तभी उसने बीसी में ज्वाइन किया, फिर हम लोग पहला उनके पास 2 लाख रुपए दिया था, वो 2017 में होगा, तभी से ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा छोटा इसमें शुरू था, फिर वो छोटा बीसी भी डालता था, तभी वो 1 बीसी 2 बीसी ऐसा डालता था। 2021 में वो बोला ज़्यादा इंटरेस्ट दे, पहले वो 5% देता था, उसके बाद 60% किया, फिर उसने बोला तुम लोग बड़ा बीसी पकड़ो, मैं 4-4 रात डालेगा करके बोला, वो 4-4 रात डालने के बाद उसने बीसी उठाएगा, फिर उसको हमको देना है वो भी दे देगा, मैं उनको ही देने आएगा, 2 साल ऐसा कंटिन्यू उसको ही पैसा दे रहा था, फिर हमको समझ में आया हम बीसी में पूरा उसको ही दे रहे और दूसरा लोग को पैसा, मैं 30 लाख को पैसा लेकर 9 करोड़ इसको दिया है, फिर वो लोग को बैच भी दे रहे, फिर उस मेरे से ना उसके पास में कुछ कमाया नहीं, खाली खाना पीना जाना आना इतना ही होता था, कुछ कमाने के लिए नहीं हुआ, क्यों बीसी में भी मेरा पैसा उसके पास ही जा रहा है, वो बैच दे रहे करके, फिर हम लोग को थोड़ा ही देके तुम लेके क्या करेगा, मेरे पास ही छोड़ दो, वो भी प्रॉफिट भी उनके पास ही है, और बीसी चलते चलते फिर मेरे को समझ में आ गया, फिर मैंने 10 महीने से बीसी नहीं पकड़ा, फिर उसको समझ में आया हम लोग के पास से उसको प्रॉफिट नहीं है, हम लोग को अवॉइड करने के लिए वो तभी से हमारे साथ बराबर बात नहीं करता था। अभी तक आपने कितना पैसा उनको दिया है? अभी मैं 13 करोड़ उनके पास है और 9 करोड़ दूसरे लोग के पास है। वो लोग मेरे को इतना सता रहे, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, मेरे घर वाला ने मेरे को बचाया, तुम्हारे तीन बच्चा लोग है, तू मर जाएगा तो तेरे बच्चा लोग को कौन देखेगा, ऐसा करके मेरे घर वाला ने मेरे को संभाल के इतना दिन रखा, मेरा मामा लोग सब बोला मैं उनको ढूंढ के लेके आएगा, तुम्हारा पैसा आएगा, इसके वजह से मैं जीता हूँ, मेरा बच्चा लोग को छोड़ के मैं कैसा मरूं, मैंने गलती किया, उसने लालच दिलाया हम लोग के पास गया, लेकिन मेरा बच्चा लोग क्या गलती किया, मैं आज मरने के लिए तैयार रहता था। वो बोला मेरे को, मेरा नणंद की लड़की है ना, वो बोला बैज में मैं दिया, तुम दे आपको मिलेगा, ऐसा बोला था, इसके लिए मैं पहला 3 लाख दिया था, फिर वापिस क्या बोला, अम्मा तुम बीसी पकड़ो आपको ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा मैं बेच देगा, तुम झोपड़ा तोड़ के बिल्डिंग में जाओ, मैं ले रहा है पैसा तुम्हारे पास देखे आपको मैं ज्यादा पैसा देगा, ऐसा बोला था, फिर क्या बोला तुम गाँव में कुछ ही रहेगा ना, बेच के मेरे को दे आपको 7 कोटा मिलेगा, 7 कोटा बोल के फिर मेरा 1 करोड़ हो गया इसका पास, मेरा पास बोल ही डाला 10 लाख का 5 लाख का सब डाला, से बोली था मेरा, से बोली में सब उठाया, उठा के लेके गई। अभी तक आपने कितना पैसा दिया है उनको? मेरा 1 करोड़ पैसे से 35 लाख दिया मेरा। लेकिन आपने कैसा पैसा दिया, कैश में दिया क्या चेक? मैं बैंक से, बैंक से आपने पैसा? 2020 में इसका डिलीट किया मेरा अकाउंट से, इसका अकाउंट में मैं दिया, स्टेट बैंक में,
स्टेट बैंक में इतने दिया। अभी सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार का पास मैं क्या बोल रही है, हाजी बाजी वाला का पास लिया ना, ये लोग क्या बोल रही है, तुम घर छोड़ के बाहर जाओ, मैं ताला मारेगा, सब लोग आगे मेरे को मार रहे है, मैं क्या करूँ। मेरा नाम विजय लक्ष्मी उड़ेयर है, मैंने उनको मंदिर में मिली थी, उन्होंने आके मेरे से बात किया, बोला था तेरे पास पैसा है तो दो, मैं बैच देता हूँ करके। मैंने स्टार्टिंग में 3 लाख जाके दिया। क्या करते हैं? मैं स्टडीज करती हूँ, मेरे घर से पैसे लेकर के दी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया जी। मैंने ऑफिस में लालच में आपने उनको पैसा बैच देता करके बैच देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट देता हूँ मेरा, और क्या क्या बताया उन्होंने, बोला 3 लाख बैच बराबर देता था, उसके बाद वो क्या बोला, बीसी पकड़ो तुम लोग, बीसी पकड़ोगे तो बीसी में पैसा आएगा करके, फिर बीसी का 20 जन का सबका पैसा निकाल के उसके हाथ में ही मैंने दी, उसका चार शेयर था, एक दो नहीं था, उसका चार था। मैं पहले मुलाकात उनसे कैसा हुआ, मेरा भाभी काम करती थी उसके घर पे, उनके साथ में मैं जाते आते थे, जब भी उनको थोड़ा 1 लाख 2 लाख ऐसा 2022 में दिया, जब भी ऐसे पहचान हो गया एक का एक। किस वजह से दिया आपने? उन्होंने बोला था मैं मसाला का फैक्ट्री है, गोल्ड का फैक्ट्री है, शेयर मार्केट है, आंटी आपने मेरे को ला के दो 1 रुपया, बस 1 रुपया आपको चाहिए तो ले लो, 1 रुपया टक्के से मेरे को दिया था उसने, एवरेस्ट का मसाला का और गोल्ड का शेयर मार्केट में है, आप पेट्रोल दुबई में है, उसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा आप साथ करो, आप लोग क्यों ऐसे ही बर्तन वर्तन गजते है, आगे बढ़ो, क्यों ऐसे ही रहते हैं आप लोग, घर घर पे काम करते करके हम लोग को लालच करके हम लोग को ये कर दिया। पैसे कैसे दे रहे ले, कैसे माध्यम तुम? हाथों में दिया, कैश दिया, अकाउंट में भी डाला हम लोग, हमको एक अग्रीमेंट पेपर दिया है उन्होंने, दिया है एक चेक भी दिया था, चेक तो काम कर रही है, लेकिन अग्रीमेंट आशीष ने दिया था, दिया और रॉन्ग दिया, रॉन्ग करके दिया, और एक जन को दिया हुआ है ना, और मेरे को सब में अलग अलग पेपर नीचे दिया हुआ है, पेपर भी दिया है मुझे उसने दिया है, वो उसमें भी हम लोग साइन अच्छा वो इसमें से लिया नहीं हम लोग से। आप लोगों का मुलाकात मंदिर में हुई है, ठीक है, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी की हुई है, ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है, मुझे उसमें फ्लैट का लालच देकर उसने बोला जो 3 करोड़ का फ्लैट है वो तुझे 1 करोड़ में दूंगा और थोड़ा थोड़ा पैसा करके तू मुझे दे, तो मैंने घर वालों को बोला, वो तो माने नहीं पहले, उन्होंने फिर बहुत मुश्किल से मुझे पैसा दिया, और मैंने अभी हाल ही में पैसा दिया है मार्च में, घर घुर गिरवी रख कर मेरे पास सब है, और मेरा सारा का सारा पैसा RTGS मेरे गांव से मेरे माँ बाप ने किया हुआ है, बस कुछ ही 4-5 लाख रुपये ही उसको मैंने कैश में दिया है, बाकी जितना भी मेरा 95 लाख उसको उसके पास है, और जितना भी मेरा ट्रांजेक्शन है सर RTGS से किया, मेरी प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरी मेरे को सूस में पैसा चाहिए भाई, मेरे मैं बहुत परेशान हूँ, कल को मैं सुसाइड करूँगा, तो ये मेरा प्रशासन। आशीष दिनेश कुमार शाह, यानी एवढा गोंधळ घातला आमचा आयुष्यात, जेवढा कमावलं आहे ते सगळं मातीमध्ये गेल्यासारखं आहे, त्यांनी लोकांचे पैसे घेतले, लोकांच्या मनामध्ये घुसून त्यांचं म्हणजे माइंड वाईज जेवढं त्यांना चेंज करू शकतो तेवढा प्रेमाने बोलून बोलून लोकांचा पैसे घेतले त्यांनी, आणि हाय रेट इंटरेस्ट मध्ये पैसे देणार असं बोलून त्यांनी लोकांकडे पैसे घेतले। मसाला का फॅक्टरी आहे, गोल्ड का फॅक्टरी आहे, शेअर मार्केट आहे, आंटी आपने मेरे को लाके दो 1 रुपया, बस 1 रुपया आपको चाहिए तो ले लो, 1 रुपया टक्के से मेरे को दिया था उसने, एवरेस्ट का मसाला का और गोल्ड का शेयर मार्केट में है, आप पेट्रोल दुबई में है, उसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा आप साथ करो, आप लोग क्यों ऐसे ही बर्तन वर्तन गजते है, आगे बढ़ो, क्यों ऐसे ही रहते हैं आप लोग घर घर पे काम करते करके हम लोग को लालच करके हम लोग को ये कर दिए। आपण जाणून घेतलेले आहे कशा प्रकारे नागरिकांची फसवणूक केली आहे, काय सरकारकडून यांना न्याय मिळेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजीवनी वैजल, आम्ही मुंबईकर, 24 तास मुंबई।